मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। रितु जी को मैं जिस दिन हुआ था उस दिन मैंने फोन किया था, तो उन्होंने बोला कि नहीं कुछ, क्योंकि मैं अपने लड़कों को भी भेजा था वहाँ के एक बार जाकर देखो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग देख लेना। तो मेरे कुछ लोग गए थे गाड़ी ले लेके, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था उसमें। वो मैं देखिए होता क्या है, दीवानगी होती है, मैं उसको भी बुरा नहीं बोल सकता। रितु एक कुशल अभिनेत्री है और रितु मेरे बहुत अच्छी मित्र हैं, दोस्त हैं वो, और रितु का नेचर बहुत अच्छा है। तो होता क्या है ना कि अगर हम किसी से बात कर लेते हैं, अगर अच्छे से बात कर लेते हैं या फ़ोन पे हो या ऐसे भी टॉकिंग हो तो अच्छे से बात। और सुनिए सबसे बड़ी चीज़ है कि वो भी एक पत्रकार था, जिसने हाँ आप ही लोगों के बिहादरी का आदमी था वो, और वो पत्रकार था, वो कितने बार इंटरव्यू भी रितु जी का ले चुका है। तो मैं चलिए अच्छी बात है, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट यही कर सकता हूँ कि सबके अपने जीवन है और ज़बरदस्ती से कुछ नहीं मिलता है। और रितु भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, वो भी किसी की अमानत है, किसी का वो बीवी बन सकती हैं, आने वाला उनका भी कोई जीवन साथी होगा। तो ज़बरदस्ती कोई रिश्ते नहीं बनते, आप प्यार से रिश्ते नहीं बना सकते, तो ज़बरदस्ती तो यहाँ अपनों से रिश्ते नहीं बनते हैं, तो फिर तो वो बहुत दूर की एक अभिनेत्री है बेचारी। तो मैं हर उस फैन से यही बोलना चाहूँगा कि आपके जीवन में भी कोई आएगा और ज़बरदस्ती चीज़ों को करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने कुली नंबर में वही दर्शाया है कि प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता है, लेकिन कुछ हक ऐसे होते हैं कि उसको छीनना पड़ता है। जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे प्यार के लिए इतने कुछ करते हैं, लेकिन जब वह बुजुर्ग हो जाते हैं और वो कुछ मांगते हैं तो हमें लगता है, जब हम 10 रुपये के लिए जिद करते हैं तो मम्मी पापा अपना कपड़ा नहीं खरीदते, लेकिन हमारी खुशियों के लिए वो 10 रुपये निकालते हैं। लेकिन जब वही बुजुर्ग हो जाते हैं और 10 रुपये मांगते हैं तो हमें लगता है कि जहर इनको लाकर क्यों ना दे दूँ। कुछ लोगों को ये गलत है, इसीलिए हर माँ बाप एक छेनी हथौड़ी की तरह होते हैं, जो कि उनकी चोट जब होती है तो एक पत्थर भी भगवान का स्वरूप हो जाता है। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अपने माँ बाप को कभी तकलीफ मत दीजिए। एक माँ जब हमें पैदा करती है तो अपनी सुंदरता का कभी मोह नहीं करती, लेकिन जब हम एक सुंदर बीवी पा जाते हैं तो हम उसी माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो हमें ये ज़रूरी है कि उस माँ बाप के हमेशा ख्याल रखना चाहिए, जिस माँ बाप ने हमें पाल पोस के बड़ा किया और हमारी वो अपनी खुशी हमारी खुशियों में देखे, तो इसकी ज़रूरत है। और वही एक कुलीन नंबर वन सिनेमा है। तो मैं चाहूँगा कि मैं हर उस जनता से अपील करना चाहूँगा, और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया शायद रिलीज हो रही है कुलीन नंबर वन, तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि एक अच्छी सिनेमा को आप लोग बढ़ावा देंगे तो कोशिश हमारी रहेगी कि आने वाला भविष्य हमारा उज्ज्वल होगा और आने वाले भविष्य में अच्छे अच्छे सिनेमा बनेंगे। अगर मैं अच्छा सिनेमा नहीं करता तो आप मेरा भी सिनेमा मत देखिए, अच्छी गाने नहीं गाता तो आप मेरा भी मत देखिए। तो अगर बुरी चीज़ों को देखना बंद करेंगे, सुनना बंद करेंगे, तो बुराई अपने आप ख़त्म हो जाएगी। रास्तों को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, रास्ते तो बनते ही रहते हैं, बस आप उस पर गाड़ी कौन सा चला रहे हैं और कौन गाड़ी को चलते हुए देखना चाहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए वो ज़रूरी है कि हम रास्ता तो वही है, मनोरंजन का रास्ता वही है, लेकिन हम इस पे चाहते हैं कि इस पे फूल बरसे, यहाँ कांटे नहीं बीजे, कोशिश हमारी यही होनी चाहिए। बस ईद के लिए जितने भी इरादे रोज बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, अजमेर वही जाते हैं जिसे ख्वाजा बुलाते हैं। तो मैं बस जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं और जो भी हिंदू भाई भी हैं जो ईद में बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैं सबसे बोलूँगा कि ईद की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं जो मुस्लिम धर्म से हैं, जिनके घर में जाता हूँ आता हूँ और ईद की खुशियाँ मनाता हूँ, वो भी हमारे घर में होली और छठ में आते हैं। तो मैं ईद की ढेर सारी शुभकामना आप सब मुसलमान भाइयों की कि ऐसे ही खुशहाल अपने जीवन को चलाइए और विवादों में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, तो हमारे भाईचारा का इंडिया में जो रिवाज है वो मुझे लगता है कि इस दुनिया के किसी कोने में नहीं है, जो हम अपने एक दूसरे को, बस कुछ राजनीति मुद्दे आते हैं तो वहाँ पे हम लोग किसी और के झंडा लेकर घूमने लगते हैं, ये गलत है। हम नौकरी करेंगे, हम मेहनत करेंगे तो ही दो रोटी का मालिक बनेंगे। हमारे घर का रोजी रोटी कोई नेता नहीं चला सकता है, हमें मेहनत करना है, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो या लालू जी की सरकार हो या राहुल जी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो या ममता जी की या अखिलेश जी की, किसी की भी सरकार हो, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे दो वक्त की रोटी हमारे बच्चों को नहीं मिल सकती है। तो हम ज़्यादा किसी के पीछे झंडा लेकर और खुद की जान को
दाव पे लगाकर किसी के लिए हम जान देते हैं, और हमारे आगे पीछे जो हमारे बच्चे हैं, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बीवी है, उनका भी हमें ख्याल आना चाहिए। तो आप मेहनत करिए, अच्छाई के साथ रहिए, क्योंकि अच्छाई के साथ आप रहेंगे तो आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं कल चल के उस अच्छाई के साथ ही रहेगा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, खुद को मजबूत होने की जरूरत है। मोदी जी को शुभकामनाएं दीजिएगा, मनोज जी को और रवि जी को। मैं देखिए, इंडस्ट्री को एक नया आयाम मिला है और कोई तो समझा है। मोदी जी को मैं दिल से प्यार इसीलिए करता हूँ कि उन्होंने कम से कम हमारे कलाकारों को, नहीं तो हम लोगों को तो लोग सिर्फ नचनिया बजनिया ही समझते हैं, और हम कृष्ण के वंशज हैं, तो कृष्ण भी गोपियों के साथ बहुत रासलीला किए। और हमारे कहने का मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम संगीत, हम दुनिया के दिल की बातें जानते हैं। एक देखिए, अच्छा अभिनेता नेता अच्छा कैसे बन सकता है, इसलिए बनता है कि वो हर दुनिया के दिल की बातें जानता है। और रवि जी कुशल अभिनेता भी हैं और कुशल नेता भी हो सकते हैं और हो रहे हैं। मेरे दिनेश भैया के साथ भी शुभकामना है, वो भी बीजेपी के एक अच्छे उम्मीदवार हैं। मनोज भैया जो आने वाला भविष्य दिल्ली के मुख्यमंत्री का पूरी दुनिया देख रही है, और हम उत्तर भारतीयों के लिए और हमारे बिहार, यूपी और पूर्वांचल के लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि एक बिहार का मिट्टी का आदमी अगर कल चल के दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है, तो उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है हमारे लिए। वहाँ कोई पार्टी की बात नहीं है, एक व्यक्तिगत उस बिहार की बात है कि एक बिहार का आदमी जब चांद पे जाता है तो हमें खुशी होती है ना। तो एक बिहार का भी आदमी जब मुख्यमंत्री के पद पे बैठेगा तो हमें खुशी होगी, चाहे वो किसी पार्टी से हो। हमें उस बिहार से मतलब है जहाँ का वो बेटा है। तो और पवन भैया का भी शुभकामना है कि वो भी बीजेपी को बहुत प्रचार किए, वो ब्रांड एम्बेसडर रहे। तो मैं इन चारों कलाकारों के लिए जो मेरे आदर्श रह चुके हैं, और इन सारे आदर्शों का बस मैं शुभकामना दूंगा कि आने वाला भविष्य में ये अपने जीवन को ऐसे ही, जिस तरह सेवा जनता का किए उसी तरह सेवा ये हमारे जनता का नेता बन के करें, जो कि अभी नेता बनकर इन्होंने किया, अब नेता बन के करें, लोगों के दुख में रहें। अब इनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, अब तो इनको सेवा करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जब रहते थे तो मनोरंजन में इनको वक्त नहीं मिलता था किसी के दुख में जाने के लिए, लेकिन वहाँ वो दुख के लिए ही गए हैं कि अगर किसी को दुख हो तो वहाँ उस जगह पे उनको शामिल होना है। तो शायद मुझे ये आशा है, आशा नहीं विश्वास है, कि जिस तरह इन लोगों ने अपने जीवन के अभिनेता के पड़ाव में इन्होंने बहुत कुछ दिया है भोजपुरी इंडस्ट्री को और इस देश को, उसी तरह शायद नेता के भी जीवन में ये लोग बहुत अच्छा कुछ करेंगे। और मेरी शुभकामना भी है इन चारों के साथ और पूरे भाजपा के साथ और जितनी भी पार्टियां धरती पे, सबके साथ। भाई मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, भाजपा के साथ भी है, कांग्रेस के भी साथ है, और है लालू जी के भी साथ है, नीतीश जी के भी साथ है, ममता दीदी के भी साथ है, और अखिलेश जी के भी साथ है, जानता है इन्हीं लोगों को। बाकी केजरीवाल जी भी बहुत अच्छा है। भाई देखिए, हम प्रचार सबका करना मिलेगा तो करेंगे, जाएंगे आएंगे हम लोगों से। मेरे कहने से देखिए, आपको पता है जी आपको क्या खाना है, मेरे कहने से। ये न्यूज़ आई थी, पता नहीं कितनी सही, कि बहुत इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों ने फोर्स किया था इस प्रचार को करने के लिए। नहीं नहीं, मेरे पास किसी का फोर्स नहीं आया था कि आप किसी का प्रचार करिए, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पास मनोज भैया का कॉल आया था कि बाबू मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो मैं शूटिंग कर रहा था चेन्नई में, तो वहाँ से मैं वापस आया, मैं बोला कि ठीक है भैया मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने याद किया मुझे, तो मैं गया। और मैं सबसे बोल रहा हूँ कि जो भी मुझे, अगर जिससे व्यक्तिगत मेरा रिलेशन है बोलेगा जी आप आओ बाबू, तो मैं आऊँगा। वो मेरे लिए पार्टी अहमियत नहीं रखता कि आप किस पार्टी से हैं, आपसे मेरा रिलेशन है तो मैं जाऊँगा। मैं क्या बोला कि मैं सोशल इतने बच्चों को गोद लिया हूँ, मैं विधा आश्रम में जाके फल बांटता हूँ, तो उससे मेरा क्या रिश्ता है, मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं जब जरूरत पड़ता है तो लोगों के घर जलता है तो उस घर में पैसे देता हूँ, उनसे मेरा क्या रिलेशन है, उनसे मेरा क्या रिश्ता है, वो किस पार्टी के आदमी है, वो किसी पार्टी के आदमी नहीं है। हमारे कहने का मतलब कि आज मेरे पापा कांग्रेस में चले जाएंगे तो मैं, मेरे लिए कांग्रेस दुश्मन हो सकता है लेकिन मेरे पापा तो दुश्मन नहीं है ना, तो मैं उनके लिए तो जाऊंगा ही जाऊंगा। तो दुनिया में अब लोग उसको राजनीति मोड़ देते हैं, तो उसके लिए मैं देखिए क्या मैं बोल सकता हूँ। आप अपने मन से दाल भात खा सकते हैं, और मुझे दाल भात खाने का मन करेगा तो मेरे मुंह पर जावी लगाएंगे। सबके अपने मर्जी होती है, सबके अपने मन होते हैं, जो आजाद है इस आजाद जिंदगी में। हाँ, आपके लिए कुछ हम गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं अगर किसी से व्यक्तिगत मेरी मोहब्बत है, किसी पार्टी अगर मुझे कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाता है कि सारी आपको ब्रांड एम्बेसडर मेरा करना है, तो मैं जाके करता हूँ। वो मेरा काम है कि चलो भाई इनको मेरी पब्लिक की जरूरत है,
और पब्लिक मुझे दिल से प्यार करती है। मैं किसी को जिताने और हराने के लिए नहीं जाता हूँ, मैं एक सपोर्ट के आधार पे जाता हूँ। जैसे पैंट पहनने के बाद टी शर्ट की जरूरत होती है तो उसके सारी टी शर्ट है जो तो टी शर्ट की जरूरत है, लोग कहते हैं कि सारी आओ पहनना है तुम्हें, मैं चला जाता हूँ। वो चाहे गरीब हो, एक गरीब आदमी के लिए भी मैं जाता हूँ, एक अमीर के लिए भी जाता हूँ, वो मेरा काम है। और देखिए कोई भी आदमी मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए कोई पार्टी ज्वाइन करता है या नेता नेता के नगरी में जाना चाहता है, लेकिन आज मुझे लोगों का प्यार भी मिल रहा है, मुझे शोहरत भी मिल रही है, दो पैसे भी कमा रहा हूँ और लोगों में मान सम्मान भी बहुत बड़ा मिल रहा है। आज मुझे किसी पार्टी से जोड़कर मैं किसी से जुड़ जाऊंगा तो शायद बहुत सारी विवादों से घेरा जाऊंगा। आज मैं पान खा के कहीं थूक, ऐसा नहीं कि मैं रोड पे थूकता हूँ, उसके लिए डस्टबिन में ही थूकता हूँ। स्वच्छ भारत बनाना है तो मुझे भी ये फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन मैं अगर पान खा के उस कचरे के डब्बा में भी थूकूंगा ना, अरे यार इस पार्टी का आदमी तो पान खा के दिन रात घूमता रहता है, आज तो मुझे इस बात की रोक नहीं है ना कि केसारी तुम पान क्यों खाते हो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.